नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इस बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। भारत में 26 जनवरी का खास महत्व है। इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी देश में कानून के राज की शुरुआत हुई। 26 जनवरी को राष्ट्रीय पर्व का दर्जा प्राप्त है। हर साल इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, भारत अपने गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाता है। इंडिया गेट पर राज्य की झांकी निकाली जाती है, ये हम सभी जानते हैं, और राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। खास क्या है 26 जनवरी? वर्ष 1929 के दिसंबर महीने में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में प्रस्तावित पास हुआ कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देती है तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। इसके बाद 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं दिया, तब अंग्रेज ने उसे दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन शुरू किया। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रवि नदी के किनारे तिरंगा फहराया। इसके बाद भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। उस दिन से 1947 में देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया। तब जो नेता थे उन्होंने 2 महीने और रुकने का निर्णय लिया और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इसी दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सौंपा गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संविधान सभा के संविधान निर्माता के समय कुल 114 दिन बैठकर हुई। इसी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान को 2 हस्तलिखित कापियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को ये देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इस दिन संविधान निर्माता सभी द्वारा जो है स्वीकृति संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि जो है हमारा जो है 26 जनवरी जो है क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिसमें प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति का कार्य पूर्ण संविधान लिखना था, निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहते हैं। भारतीय संविधान को 2 प्रजाति
दो प्रीति में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। भारतीय संविधान की हाथ से लिखी मूल प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस में 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को दिल्ली से राजपथ पर हुई थी। 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड हिस्से लेते थे। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री अमर ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में बलिदान दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।